अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मुनाफ अशरफ़ी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम रियासत आंध्र प्रदेश का एक मशहूर व मारूफ शहर पेनगुंडा शरीफ में मौजूद एक आलीशान बारगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। इस बारगाह शरीफ में जो अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिनका नाम शहनशाह जुनूबी हिंद, सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल मशायकीन, बुरहानुल आशिकीन, कुतुबुल अक्ताब, सिराजुस सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, बादशाह दकन, हजरत सैयद ख्वाजा बाबा फखरुद्दीन हुसैनी, गंजुल इसरार, गाह मस्त गाह होशियार, मुजर्रद कलंदर बरहक, बादशाह सीस्तान रहमतुल्लाह अली की बारगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। तो आप हजरात हमारे साथ वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के आगे हजरत की मुख्तसर सी सीरत बताने की कोशिश करूँगा। तो आप हजरात को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हजरात को हमारी ये वीडियो कैसे लगी। आप हजरात ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रदा स्टूडियो आधुनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत सैयद ख्वाजा बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की विलादत बासआदत 26 रमज़ानुल मुबारक 564 हिजरी मुताबिक 1169 ईस्वी में सीस्तान इराक में हुई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अली सीस्तान और शाहपुर के सुल्तान थे। कुछ अरसे बाद सब कुछ छोड़कर हजरत सैयद शाह तबले आलम नथरवली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अली की खिदमत में रहकर तालीम व फैज़ हासिल किए। तालीम मुकम्मल होने के बाद हजरत तबले आलम नथरवली रहमतुल्लाह अली ने आपको एक मिसवाक अता किए और फरमाया कि जहाँ पर ये मिसवाक खिल जाए वहाँ तुम्हें क़याम पज़ीर होना है। आप सफ़र करते हुए पेनगुंडा पहुँचे और रात को उस मिसवाक को ज़मीन में लगाया। सुबह उठकर देखा तो उस मिसवाक में से एक ख़ूबसूरत दरख्त बन गया था। ये दरख्त इस मकाम पर आज भी मौजूद है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने पेनगुंडा में ही सुकूनत इख्तियार करके तालीम व फैज़ अता फरमाने लगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की शोहरत बढ़ने लगी तो जनगामैया नामी पुजारी ने आपको जादू के ज़रिए तकलीफ़ देने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। फिर उसने पेनगुंडा के लोगों को आपको और आपके साथियों को खाना देने से रोक दिया और खानकाह पर अपने आदमियों को चौकी के लिए तैनात करके आपको बाहर निकलने से रोक दिया। 3 दिन बाद आपने मुराकबा किया, फिर कसाई को बुलाकर एक बैल को ज़ुबा करने के लिए फरमाया और फरमाया कि बैल का सर और चारों पैर संभाल कर रखे। जब जनगामैया को पता चला तो उसने राजा से शिकायत की कि हमारे मंदिर के बैल को इस फ़कीर ने मार डाला है, और खानकाह पर आकर आपसे कहने लगा हमारा बैल हमें वापस दे दो वरना तुम सबको मार डालेंगे। आपने कहा हम तुम्हें 2 बैल देते हैं, वो ना माना। आपने कहा 4 बैल देते हैं, वो कहने लगा हमें वही बैल चाहिए। आप बैल का सर और पैरों के पास तशरीफ़ ले गए और अपना असा मार करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो बैल ज़िंदा हो गया। ये देखकर जनगामैया ने सिपाहियों को आप पर हमला करने के लिए कहा। जैसे ही सिपाही आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, एक आंधी आई। दुर्वेशों ने अल्लाह अकबर की तकबीर कहना शुरू किए। आंधी की वजह से सिपाही आपस में खुद की तलवारों से कटकर मर गए।
मौजूद नाजरीन, एक मरतबा हज़रत बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद हज़रत तबले आलम नथर वली रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे थे। हज़रत ने आपको इशारा किया तो आपने झुककर अपना सर ज़मीन पर रखा और हाथ को फैलाया। मुरीदों ने इसकी वजह पूछी तो हज़रत तबले आलम नथर वली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मेरा एक रूमी मुरीद तिजारत के लिए अपने परिवार और साथियों के साथ जहाज़ के साथ हरमस की तरफ सफ़र कर रहा था। उसके साथ हीरे जवाहरात और 40 घोड़े थे। रास्ते में तूफ़ान आया और उसने मदद के लिए पुकारा तो मेरे फरमान पर फ़ख्रुद्दीन उसे यहाँ से मदद कर रहे हैं। हज़रत शम्स गोया और दूसरे हाजरीन ने देखा तो आपकी आस्तीन पानी से भीगी हुई थी और पानी को चखा तो वो समंदर के पानी जैसा खारा था। 10 महीने बाद वो ताजिर मुख्तलिफ मकाम का सफ़र करके हज़रत तबले आलम नथर वली रहमतुल्लाह अली की खिदमत में हाजिर हुए और तूफ़ान में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करने लगा तो हज़रत ने फरमाया, बाबा फ़ख्रुद्दीन ने तुम्हारी मदद की थी। जब वो लोग आपके पास आए और कदम बोसी की तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हारा जहाज़ जब तूफ़ान में फंसा हुआ था तब क्या तुमने अपना आधा माल पीर को बतौर नजराना देने का अहद नहीं किया था? ताजिर ने कहा, मैंने अपने साथ अपना आधा माल यहाँ लेकर आया हूँ। आपने फरमाया, लेकिन इसमें एक तुर्की घोड़ा नहीं है जो तुमने सफ़र के दौरान ख़रीदा था। ताजिर ने अर्ज़ किया, हुजूर, वो घोड़ा रास्ते में खो गया है, मैं उसके बदले दूसरा घोड़ा देता हूँ। आपने फरमाया, लेकिन मुझे तुम्हारे हिस्से की कोई चीज़ नहीं चाहिए, जाओ फला मकाम पर वो घोड़ा चर रहा है। ताजिर ने अपने आदमियों को भेजा तो वो घोड़ा उसी मकाम पर मिल गया। जब ताजिर ने वो घोड़ा और अपना आधा माल पेश किया तो आपने फरमाया, हमने तो सल्तनत छोड़ दी है, इस माल को गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मरतबा आपने पेनगुंडा के राजा से फरमाया, जिसके अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है वो मरने के बाद भी क़यामत तक आलम बका में ज़िंदा रहता है और ज़मीन उसके जिस्म को उखाती नहीं है और उसका जिस्म महफूज रहता है। राजा ने एतराज़ किया तो आपने मिट्टी में से 2 मटके बनाए, उनमें से एक को भट्टी में डालकर पकाया और दूसरे को धूप में रखा, फिर 2 गड्ढे करके दोनों में एक एक मटके को रखा। कुछ दिनों के बाद दोनों गड्ढे खोलकर देखा तो जिस मटके को आग में पकाया गया था वो पहले जैसा ही था और जिस मटके को सिर्फ धूप में रखा गया था वो टूट गया था। आपने फरमाया, जिस मटके को आग में पकाया गया था उसमें से पानी बिल्कुल सूख गया था। इसी तरह जो इंसान शरीयत और सुन्नत पर पाबंदी से अमल करता है और दुनिया की महब्बत छोड़ देता है उसका जिस्म कब्र में भी महफूज रहता है। राजा को तसल्ली नहीं हुई और उसने कहा, ये तो आपने मिसाल पेश की है। आपने फरमाया, ठीक है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को खोल कर देख लेना। राजा ने कहा, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा ना रहूं तो? आपने फरमाया, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मेरी उम्र में से तुम्हें 40 साल की ज़िंदगी अता फरमाए। इस वाक़े के 40 दिनों के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आपके फरमान के मुताबिक राजा ने 40 दिन के बाद आपकी कब्र खोल कर देखा तो आपका जिस्म वैसे ही महफूज था। 40 साल के बाद फिर से आपकी कब्र मुबारक को खोला गया, तब भी आपका जिस्म पाक वैसे ही महफूज था। सुबहानअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयद शाह बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शाह तबले आलम नथर वली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा है। आपके खलीफा
आपके भतीजे हजरत सैयद बाबा यूसुफ कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका विसाल 12 जमादियुस्सानी 494 हिजरी मुताबिक 1295 ईस्वी में हुआ और आपका मज़ार शरीफ पेनगुंडा शरीफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी ही शान व शौकत के साथ मौजूद है। आप हजरात अनंतपुर या पेनगुंडा शरीफ के अतराफ में आए तो हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली की बारगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अली के सदक़े से और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फ़रमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।